good morning students welcome to your sst class and today i am explaining the next topic of your chapter power sharing the topic is why power sharing is desirable students as you all know that what is power sharing what is power sharing when the power is divided among different groups different societies डिफरेंट लेवल्स दैट इज़ नोन एज पावर शेयरिंग हम उसे पावर शेयरिंग कहते हैं ओके ना द मेन थिंग दैट वाई पावर शेयरिंग इज डिज़ायरेबल अब पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल क्यों है वाई वी नीड पावर शेयरिंग तो यहाँ पर अगर हम पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल की बात करते हैं तो देर आर एग्जैक्टली टू रीजन्स वन इज मॉरल रीज़न एंड सेकेंड इज प्रोडेंशियल रीजन प्रोडेंशियल ठीक है दो रीजनस को हम डिस्कस करेंगे इसमें कि वाई वी नीड पावर शेयरिंग और वाई द पावर शेयरिंग इज डिज़ायरेबल फर्स्ट हेयर वी डिस्कस द मॉरल रीजन ठीक है पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूज़ द पॉसिबिलिटीज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट सॉरी दिस इज प्रोडेंशियल रीजन एंड बिटवीन सोशल ग्रुप्स ओके पावर शेयरिंग गुड है क्यों क्योंकि ये किस चीज़ को रिड्यूस करती है पॉसिबिलिटीज़ ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एक दूसरे के बीच में लड़ाई जो होते हैं उनको कम कर देती है क्योंकि पावर्स क्या हो जाती हैं डिवाइड हो जाती हैं सोशल ग्रुप्स के बीच में जैसे कि वी सी द एग्ज़ाम्पल ऑफ बेल्जियम जैसे हमने बेल्जियम का एग्ज़ाम्पल देखा क्या हुआ था उसमें पावर्स को डिवाइड ही किया गया था ना अलग अलग ग्रुप्स के बीच में और क्या हुआ उनके जो बीच की टेंशन थी वो रिमूव हो गई ठीक है so it reduces the chances of conflicts ye conflicts ke chances ko reduce kar deti hai since social conflicts often lead to violence kyunki usse kya hota hai normally violence hoti hai power sharing is a good way to ensure the stability of political order और एक तो है कि ये क्या करती है possibilities को reduce करती है conflicts की दूसरा reason क्या है Uh, इम्पोजिंग स्टेबिलिटीलिटी बन स्टेबलिटी कैसे बनती है? कि लोग नहीं है लड़ते नहीं है तो क्या होता है कि वो अपनी गवर्नमेंट सेफाइड है और अगर वो अपनी गवर्नमेंट सेटिसफाइड है तो वो गवर्नमेंट को जल्दी से रिमूव करने की कोशिश नहीं करेंगे ठीक है इम्पोजिंग द विल ऑफ मेजोरिटी कम्युनिटी over others may look like an attractive option in the short run but in the long run it undermines the unity of the nation yahan par wo kya keh raha hai imposing the will of majority community jaisa ki sri lanka ne kiya majority ki communities ko hi ko impose kiya na तो वो कहता है ये एक short term attractive option हो सकता है but long term में ये country की unity के लिए harmful है अंडरमाइंड द यूनिटी ऑफ द नेशन देशन की यूनिटी को खत्म कर देता है ठीक है तो अगर हम मजॉरिटी और मिनोरिटी दोनों को साथ लेकर चलते हैं तभी कंट्री जो है वो स्मूथली रन करता है ठीक है चलिए ये तो था प्रोडेंशियल रीज़न ऑफ पावर शेयरिंग ये कौन सा था प्रोडेंशियल अब हम पढ़ेंगे मॉरल रीज़न पावर शेयरिंग का मॉरल रीज़न क्या है देयर इज सेकेंड डीपर रीज़न वाई पावर शेयरिंग इज़ गुड फॉर डेमोक्रेसी सेकेंड डीपर रीज़न क्या है पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी पावर शेयरिंग क्या है स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी स्पिरिट का मतलब समझते हो आत्मा है डेमोक्रेसी की विदाउट पावर शेयरिंग हम डेमोक्रेसी को इमेजिन भी नहीं कर सकते वाई देखो बेटे डेमोक्रेसी का मेन रूल क्या है कि

वो पार्टिसिपेट करते हैं गवर्नमेंट के रूल और रेगुलेशंस के बीच में सो दिस इज़ द मॉरल रीजन ऑफ पावर शेयरिंग दैट पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी डिमोक्रेसी एंडस्टिमेट गवर्नमेंट इज़ वन वेयर सिटीजन पार्टिसिपेटेड वेयर वेयर द पार्टिसिपेशन ऑफ सिटीजन इज रिक्वायर्ड जहाँ पर लोगों का पार्टिसपेशन ज़रूरी है ठीक है लेट्स कॉल द फर्स्ट सेट ऑफ रीजन प्रोडेंशियल एंड सेकेंड मॉरल इसको हमने क्या कहा प्रोडेंशियल और इसको क्या कहा मॉरल ओके सो एंड वाइल प्रोडेंशियल रीजन स्ट्रेस दैट पावर शेयरिंग विल ब्रिंग बट बेटर आउटकम्स मॉरल रीजन इंपैसेस द वेरी एक्ट ऑफ पावर शेयरिंग हैज़ वैल्युएबल प्रोडेंशियल रीजन क्या बता रहा है कि पावर शेयरिंग इज जरूरी है स्ट्रेस है बेटर आउटकम है मॉरल रीज़न क्या बता रहा है कि ये वैल्यूएबल है इसकी वैल्यू है ये ज़रूरी है ओके सो दिस आर द टू रीजंस ऑफ पावर शेयरिंग बेटे ये क्वेश्चन आपके पास सीधा भी आता है वाई भी वाई द पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल और यही क्वेश्चन आपके पास इस फॉर्म में भी आ सकता है कि एक्सप्लेन द पोडेंशियल एंड मॉरल रीजन ऑफ़ पावर शेयरिंग तो ये दोनों आपको इस तरह से ही लर्न करने हैं बेटर है कि आप ऊपर हेडिंग डाल के लर्न करो दैट इट इज प्रोडेंशियल रीजन एंड दिस इज मॉरल रीजन ओके नाउ कम ऑन द नेक्स्ट द फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग अंडर इट वी विल लर्न द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग तो अब पहले मैं आपको डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग बताऊंगी हेयर द फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग अगर हम पावर शेयरिंग की डिफरेंट फॉर्म्स पर जाएँ तो हम पावर शेयरिंग को ग्रुप्स uh, में डिवाइड करते हैं ठीक है हेयर द वेरी फॉर्म फर्स्ट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग इज हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर सेकेंड इज वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर थर्ड इज द पावर डिवाइडेड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स एंड प्रेशर ग्रुप्स एंड फोर्थ इज़ वैन द पावर इज डिवाइडेड अमंग द पोलिटिकल ग्रुप्स ठीक है तो हमारे पास चार सोशल ग्रुप्स हैं वैन द पावर्स आर डिवाइडेड अमंग हॉरिजेंटल दैन वर्टिकल डिविजन ऑफ पावर दैन पावर डिवाइडेड अमंग सोशल ग्रुप्स एंड पावर अमंग द पोलिटिकल ग्रुप्स एंड प्रेशर ग्रुप्स ये दोनों एक ही में आते हैं पोलिटिकल ग्रुप्स एंड प्रेशर ग्रुप्स ओके सो दिस इज द

सो इम्पॉर्टेंट हॉरीजेंटल देखो हॉरीजेंटल और वर्टिकल का एक पहले तो ये मैं बताती हूँ कि हॉरीजेंटल क्या है एंड वर्टिकल क्या है अगर हम लेकर चलें तो इस तरह से हमने जो पावर्स को डिवाइड किया वो हॉरीजेंटल है और जब लेवल्स के अकॉर्डिंग इस तरह से पावर्स को डिवाइड किया वो वर्टिकल है ठीक है अब हॉरिजेंटल में हमने पावर्स को कैसे डिवाइड किया हॉरिजेंटल में पावर्स को हमने डिवाइड किया लेजिसलेचर एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी देखो यहाँ पर हर एक की अपनी अपनी पावर है ऑल आर इक्वल कोई किसी को अंडरमाइंड नहीं कर रहा है अब अगर चलते हैं सेंटर स्टेट एंड लोकल ये क्या है वर्टिकल यहाँ पे क्या है ये छोटा ये बड़ा ये बड़ा ऐसे ही आता है ना तो ऐसे ही आपने को इसको याद रहेगा इजी लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव जुडिशरी ऑल हैव इक्वल वैल्यूज दे हैव देयर ओन रोल सबका अपना अपना रोल है ठीक है सेंट्रल स्टेट एंड लोकल में हम ये मान रहे हैं ये सेंटर पूरे देश को गवर्न कर रही है ये स्टेट को गवर्न कर रही है ये लोकल एरिया को गवर्न कर रही है तो ये छोटा बड़ा बड़ा ऐसे चलता है ठीक है तो दिस इज़ योर हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल डिवीज़न ऑफ पावर ये आपका हॉरिजेंटल और वर्टिकल डिवीजन ऑफ़ पावर है नाउ लेट्स रीड व्हाट इज़ हॉरिजेंटल डिवीजन ऑफ पावर दैट पावर्स आर डिवाइडेड अमंग डिफरेंट ऑर्गेंस ऑफ गवर्नमेंट जब पावर्स को हम डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट में डिवाइड करते हैं तो हम उसे लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी में डिवाइड कर रहे हैं डिफरेंट ऑर्गन्स अंग हैं हमारी गवर्नमेंट के लेजिस्लेचर कुछ और वर्क कर रही है एग्जीक्यूटिव का काम एंड जुडिशरी का वर्क कुछ और है ठीक है इन इट नो ऑर्गन हैज़ अनलिमिटेड पावर्स किसी के पास भी अनलिमिटेड पावर्स नहीं है एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर को देख रहा है लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव के साथ काम कर रही है जुडिशरी लुक आउट कर रहा है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव दोनों को ठीक है ईच ऑर्गेन्स चेक द अदर दस द बैलेंस मेंटेन्ड। हर ऑर्गेन एक दूसरे को चेकआउट कर रहा है इसलिए बैलेंस बना हुआ है मिनिस्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट एंड जुडिशरी कीप अ चेक ऑन द फंक्शनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव मिनिस्टर जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल है वार्ड्स पार्लियामेंट और जुडिशरी पार्लियामेंट और जुडिशरी को लेकर की पे चेक ऑन द फंक्शनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव और वो एग्जीक्यूटिव की फंक्शनिंग्स को देखते हैं उसको चेकआउट करते हैं दिस इज हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अब इसको एक बार यहाँ हम पढ़ते हैं अगर हम पावर्स को एग्जैक्टली exactly लेकर चलें तो पावर्स इज शेयर्ड अमंग द ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट ठीक है पावर्स बिकॉज इट अलाउज़ डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट प्लेसड एट द सेम लेवल टू एक्सरसाइज डिफरेंट पावर्स देखो सेम लेवल पर वर्क कर रहे हैं एंड एक्सरसाइज डिफरेंट पावर्स और डिफरेंट पावर्स को एक्सरसाइज कर रहे हैं ठीक है सच अ सेपरेटेशन इंश्योर दैट नन ऑफ द ऑर्गन कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर और ये बता रहा है कि कोई भी ऑर्गन अनलिमिटेड पावर्स को यूज़ नहीं कर रहा हैव अ चेक ऑन ईच अदर और एक दूसरे के ऊपर चेक है यहाँ पर एग्जाम्पल हम दे रहे हैं लेटर्स लास्ट ईयर वी स्टडीड दैट इन डेमोक्रेसी इवन दो मिनिस्टर्स एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल एक्सरसाइज पावर्स ठीक है पार्लियामेंट और स्टेट सिमिलरली जजेज आर अपॉइंटेड बाय द एग्जीक्यूटिव दे कैन चेक द फंक्शनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव और लॉज मेड बाय द लेजिस्लेचर ठीक है तो ये अरेंजमेंट ये बता रहा है कि ये चेक एंड बैलेंस का अरेंजमेंट है ठीक है तो यहाँ पर यह भी क्वेश्चन बनता है कि चेक एंड बैलेंस का अरेंजमेंट क्या है तो चेक एंड बैलेंस का अरेंजमेंट है हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स है क्लियर नाउ कम ऑन द नेक्स्ट दैट इज वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर्स व्हेन पावर्स कैन बी शेयर्ड अमंग द गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल जब पावर्स को हम गवर्नमेंट के बीच में डिफरेंट लेवल्स के बीच में शेयर करते हैं तो हमारा वो क्या है वर्टिकल डिवीज़न ऑफ़ पावर वो हमारा वर्टिकल डिवीज़न ऑफ़ पावर है अ जनरल गवर्नमेंट फॉर द इंटायर कंट्री एंड गवर्नमेंट एट द प्रोविजनल और रीजनल लेवल सच जनरल गवर्नमेंट फॉर द इंटायर कंट्री इज़ यूजली कॉल्ड फेडरल गवर्नमेंट एंड इन इंडिया वी रेफर टू इट एज अ सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट क्या कौन कौन से लेवल हैं एक तो जनरल गवर्नमेंट जो पूरे कंट्री को देख रही है जिसे हम भारत में सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं ठीक है दूसरी गवर्नमेंट कौन सी है प्रोविजनल लेवल पर जो कि डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट डिफरेंट नेम्स में होती है कुछ कंट्रीज़ में उसको हम स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं कुछ में प्रोविजनल गवर्नमेंट कहते हैं कुछ में लोकल गवर्नमेंट कहते हैं तो हर कंट्री के अकॉर्डिंग दे हैव देयर ओन नेम ठीक है तो हमारे यहाँ पर जो अपर uh, लेवल पर है वो सेंटर और यूनियन गवर्नमेंट है लोअर लेवल पर लेवल पर स्टेट गवर्नमेंट है और उससे लोअर लेवल पर लोकल गवर्नमेंट है ठीक है अब इसमें क्या है जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपने वर्क कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट अपना काम कर रही है और लोकल गवर्नमेंट अपना काम कर रही है ठीक है अब इसमें ये भी नहीं है कि ये सिस्टम सभी कंट्रीज फॉलो करेंगे ये भी डिपेंड कर रहा है कंट्रीज टू कंट्रीज ठीक है चलिए अब यहां पर देखिए मेन चीज

क्यों क्योंकि वहां तो मेजोरिटीज्म की पॉलिसी चल रही है और वो सेंटर स्टेट लोकल का कुछ uh, वो नहीं चल रहा ठीक है द सेम प्रिंसिपल कैन बी एक्सटेंडेड टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट लोअर देन स्टेट गवर्नमेंट म्यूनसिपलिटीज और पंचायत आते हैं लोकल गवर्नमेंट पर अब बेल्जियम ने इस इस सिस्टम के अंदर एक और टाइप ऑफ गवर्नमेंट लिया दैट इज कम्युनिटी बेल्जियम ने कौन सी गवर्नमेंट ली कम्युनिटी वहाँ पर लोकल लेवल लेने की बजाय बेल्जियम ने कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट uh, किया वहाँ पर बेल्जियम ने कम्युनिटी गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया तो वो वही कह रहा है कि यहाँ पर डिफरेंट कंट्रीज़ के पास डिफरेंट लेवल ऑफ़ गवर्नमेंट है गवर्नमेंट कंट्री uh, पर डिपेंड कर रहा है कि वो क्या कौन सा लेवल ले रही है इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशंस ऑफ़ द कंट्री कंट्री की सिचुएशंस पर डिपेंड करता है कि वहाँ पर लोकल लेवल है सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है हर कंट्री में अलग अलग लेवल पर बट इसमें क्या आता है कि एक दूसरे को चेकआउट करते हैं क्लियर नहीं सॉरी इसमें क्या आता है कि हर एक की अपनी अपनी पावर्स है और वो पावर्स कहाँ पर हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में मैंशन है क्लियर चलिए नाउ कम ऑन द नेक्स्ट दैट पावर मे ऑल्सो बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स पावर्स को हमने सोशल ग्रुप्स के बीच में डिवाइड किया हुआ है जैसा कि कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम इज ए गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस अरेंजमेंट वहां पर सोशल ग्रुप्स में आया कि कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या थी लैंग्वेज बेस पर जो ग्रुप था उसको एक पावर दे दी गई उनकी एक गवर्नमेंट फॉर्म कर दी गई तो पावर्स को सोशल ग्रुप्स के बीच में डिवाइड कर दिया गया ठीक है इन सम कंट्रीज दे आर आर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल अरेंजमेंट वे आर सोशल वीकर सेक्शन एंड वुमेन आर रिप्रजेंटेड इन द लेजस्लेचर एंड एडमिनिस्ट्रेशन वो कहता है कुछ कंट्रीज़ में ऐसा है कि जो वीकर सेक्शन है या वुमेन्स हैं उनको एक अलग से कोटा दे दिया गया है लेजिसलेचर और एडमिनिस्ट्रेशन को रिप्रजेंट करने का यानी कि उनमें पावर्स को डिवाइड कर दिया गया है एंड दिस वी स्टडीड द सिस्टम ऑफ रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंस और ये क्या होता है रिजर्वेशन होती है जैसे हमारे यहाँ पर भी है रिजर्वेशन हमारे यहाँ पर भी वीकर सेक्शन के लिए हमने पावर्स को रिजर्व किया हुआ है ठीक है सो दिस इज दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज मेंट टू गिव स्पेस इन द गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन टू डाइवर्स सोशल ग्रुप्स हु अदरवाइज वुड फील अलाइनेटेड फ्रॉम द गवर्नमेंट ठीक है ताकि वो लोग जो हैं वो गवर्नमेंट से अलाइनेटेड अलगवा अलगावाद ना फील करें उनको ये ना फील हो जैसा कि तमिल्स को फ़ील हो रहा है श्रीलंका में कि गवर्नमेंट जो है वो उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है या उनको डिनाइड किया जा रहा है उनकी पावर उनकी जो वैल्यू है वो बिल्कुल नहीं की जा रही ठीक है तो यहाँ पर पावर्स को हमने डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के बीच में डिवाइड किया है ओके द लास्ट इज़ द पावर्स आर डिवाइडेड इमंग पोलिटिकल पार्टीज प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स ये आपको पता है बच्चे जैसे हमारे कंट्री में क्या है पोलिटिकल पार्टीज हैं प्रेशर ग्रुप्स भी हैं इनको भी तो कुछ पावर्स हैं पोलिटिकल पार्टीज़ अपना काम करती हैं कंट्री में इलेक्शन करवाती हैं और बहुत कुछ जो गवर्नमेंट के सामने लेकर आती हैं तो पॉलिटिकल पावर्स के पास पार्टीज के पास भी कुछ पावर्स हो गई ना ऐसे ही प्रेशर ग्रुप्स हैं प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं जो प्रेशराइज करते हैं गवर्नमेंट को किस पॉलिसी को बनाने के लिए कोई लॉ बनाने के लिए वो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं तो दे हैव ऑल्सो पावर्स उनके पास भी पावर्स हैं ठीक है एंड मूवमेंट्स जो हम मूवमेंट्स चलाते हैं जैसे हमने नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया उसमें क्या था कि नर्मदा को बचाना है गंदे होने से तो ये मूवमेंट्स भी गवर्नमेंट को प्रेशराइज़ करती हैं गवर्नमेंट को फोर्स करती हैं कुछ पर्टिकुलर डिसीजंस लेने के लिए

और हर एक पार्टी अपने लिए अपना आ, पावर लेने की कोशिश करती है सम टाइम दिस काइंड ऑफ शेयरिंग कैन बी डायरेक्ट एंड वेन टू और मोर पार्टीज़ फ्राम एन अलायंस टू कंटेस्ट इलेक्शन ये डायरेक्ट है बट कई बार जब इनडायरेक्ट भी होता है गवर्नमेंट एंड दस शेयर पावर इन एड एम वी फाइंड इंटरेस्ट ग्रुप्स ट्रेडर्स बिजनेसमैन इंडस्ट्रियलिस्ट फार्मर्स इंडस्ट्रियल वर्कर्स ये प्रेशर ग्रुप्स हैं ठीक है दे विल ऑल्सो है शेयर इन द गवर्नमेंट पावर उनका भी पावर होता है आइदर दो पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट कमेटी और ब्रिंग इन्फ्लुएंस ऑन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इनका जो पार्टिसिपेशन है वो कंट्री के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है ठीक है सो ऑल दिस इज द फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग ये आप सबकी सारी फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग है जिसमें हमने मेनली वड़ा कि पावर्स को हमने कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया है with this topic your chapter is completed and i think uh, uh, now you have to be revised the question answers of this uh, topic this uh, chapter okay so i think chapter is clear to everybody okay then thank you